हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अब देखो ये दो सवाल है, देख लो ठीक है। पहला है मिस्टर राम ने 50,000 रुपए से अपना कारोबार प्रारंभ किया और दूसरा है राम ने कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा, यानी एक सिस्टम की कीमत रही 10,000 रुपए। तो इसकी एंट्री पास करनी है, तो कैसे पास होगा? ओपन करें ना, ये ओपन हो गया, कंपनी वंपनी बना लो, ये कंपनी बन गई, फाइनेंशियल ईयर चेक कर लो, दो दो बार लग गया, चलो इधर चलो, ठीक है, एंटर प्रेस किया, इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब ये कंपनी आपकी बन करके तैयार हो गई है, ठीक है। अब इस कंपनी में हमको क्या क्या इनेबल करना है वो समझ लीजिए, ठीक है। फिलहाल तो जो एंट्री आपने देखी अभी, ये हमारी एंट्री थी, ये मैं आपको दिखा देता हूं। मिस्टर राम ने यहां पर कहीं भी जीएसटी का नाम नहीं है, तो अभी हम जीएसटी को इनेबल भी नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर सिर्फ दिया हुआ मिस्टर राम ने 50,000 रुपए में अपना कारोबार प्रारंभ किया। तो ये जो एंट्री है, मिस्टर राम स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ वर्थ रुपीज 50,000, इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? कौन से वाउचर में जाएगा ये? कौन से वाउचर में जाएगा? कंट्रोल ए प्रेस करो पहले। अब यहां पर कौन से वाउचर में जाएंगे? क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? मिस्टर राम ने 5,000 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, यही क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगी तुम? कैसे इस एंट्री को पास करोगी? हाँ, तो रिसिप्ट वाउचर में जाओ। रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे? F6। तो ये F6 प्रेस कर लिया, अब क्या करेंगे? हाँ, एक मई 2020, उसके बाद फिर एंटर करेंगे, उसके बाद क्रिएट कर देंगे, क्रेडिट का अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैपिटल अकाउंट हो गया। ये किस ग्रुप में जाएगा? ठीक है, एक मिनट, नाम क्या दिया हुआ है? सवाल एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। एंट्री में क्या दिया गया है? मिस्टर राम ने कारोबार प्रारंभ किया है, तो मिस्टर राम का नाम आएगा कहां पर? आएगा यहां पर आएगा, देखो यहां पर है ना, तो मिस्टर राम वहां पे लिख दो, एंटर करो, इनका एड्रेस डाल सकते हो फिलहाल, चलो छोड़ते हैं, एंटर प्रेस करो, एक्सेप्ट करा लो, एक्सेप्ट कराओ, एंटर। तो ये पहली एंट्री आपके पास हो गई। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, कितने हजार रुपए से? 50,000 रुपए से, 50,000 है, एंटर करो। अब यहां पर क्या आएगा? कैश में दे रहे हैं तो कैश कर दोगी, तो यहां पर एंटर करके तब यहां पे कैश करोगी, ये यहां पे डेबिट ही रहता है, करो कैश, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, हो गया, ये पहली एंट्री पास हो गई, ठीक है। अब दूसरी एंट्री क्या है हमारी, दूसरा सवाल क्या है, यहां पर देख लो, ये हमारा दूसरा सवाल है। मिस्टर राम ने कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम की कीमत कितनी पड़ी इनको? 10,000 रुपए, ठीक है। तो यहां पर इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि उधार खरीदा है कि कैश में खरीदा है, वाउचर में चलते हैं क्योंकि परचेस करना है और बिजनेस के लिए करना है, तो यहां परचेस वाउचर में आ गए। अब यहां पर आप सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, वो डेट डाल दीजिए जिस डेट पर हो रही है परचेसिंग, अगर आप कैश करना चाहती है तो कैश कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप कैश कर सकती है, तो ये कैश कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, नीचे आइए, यहां पर आइए और यहां पर आप रेगुलर कर दीजिए, एंटर प्रेस कर लीजिए। यहां पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर, तो बना लीजिए परचेज अकाउंट, जाएगा ये, एंटर करो, ये हो गया। अब यहां पर क्या इन्होंने खरीदा है, तो सवाल एक बार फिर से, एक मिनट, सवाल देख लो फिर से। राम ने 4 कंप्यूटर सिस्टम खरीदा, एक की कीमत 10,000 रुपए यहां पे दिया गया है, ठीक है, डेट नहीं दिया गया है तो कोई भी डेट डाल सकते हैं। तो यहां पर अब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे, तो डायरेक्टली स्टॉक आइटम बनाते हैं, अल्ट के साथ सी प्रेस करके यहां पर आ जाते हैं और यहां पर कंप्यूटर हम बना लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, यहां पर प्राइमरी रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे, यहां पर क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, तो यहां पर आइटम कर देते हैं आईटीएम, ये फॉर्मल नेम हो जाएगा और आइटम पूरा कर देते हैं, एंटर प्रेस करके। और यहां पर एक मिनट, ये यहां पे देना जरूरी है, पीस पैकेट क्या करेंगे, तो यहां पर आप पीस कर सकती हैं या एंटर प्रेस करके अब एक्सेप्ट करा लीजिए इसको, ठीक है। तो एनओएस भी किया जा सकता है, यहां पर एक एनओएस करके भी यूनिट आती है, तो आप यहां पे जाकर के चाहे
तो NOS करके एक यूनिट भी क्रिएट करा सकती हैं। देखिए ये एंटर किया और यहां पर आए तो नंबर कर सकते हैं नंबर, ठीक है नंबर्स, ओके एंटर प्रेस किया। अब यहां पर N प्रेस करोगे तो यहां पे NOS मिल जाएगा आपको नंबर्स, ठीक है एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे कितना कंप्यूटर सिस्टम की बात हुई थी, चार, ठीक है। अब कितने का एक है, 10,000 का एक है, ठीक है एंटर प्रेस करो एक्सेप्ट करा लो। तो ये एंट्री एक्सेप्ट कराने के बाद पूरी हो जाएगी आपकी, क्लियर है, एंटर करो ये एक्सेप्ट हो गया, यानी एंट्री पूरी हो गई।